डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो चैप्टर टॉपिक डिस्कशन है वो आर्टिकल का वीडियोस 2 है, क्योंकि पिछले क्लास में आर्टिकल्स पे वीडियो 1 बन चुका है, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल और देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल में जो इनडिफिनिट और डिफिनिट होता है, जिसका इनडिफिनिट का पार्ट ए और एन डिस्कशन कर चुके हैं। और मैंने उसमें मेंशन भी किया कि डिफिनिट आर्टिकल का डिफिनेशन और डिफिनिट आर्टिकल को बेहतर समझने के लिए और रूल से पढ़ने के लिए, बाय नोट्स पढ़ने के लिए सेकेंड वीडियो का वेट करें, जो अब वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। और एक जैसे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया था कि इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, और ए और एन का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के या काउंटेबल किसी भी थिंग्स के, काउंटेबल वस्तु के पहले होता है। बस उसमें ये एक रूल था कि ए हम वहाँ पे लगाएंगे जिसका स्टार्टिंग, जिस वर्ड का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेटिकल लेटर में कंसोनेंट से होगा, और उसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में अगर वॉवेल से शुरुआत होती थी तो उसमें हम लोग एन लगाते थे। ठीक है, तो ए और एन ये हो गया। अच्छा, एक छोटा सा नोट जैसा ही है, जैसे ये कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके लिए, कि जैसे हम लोग क से ज्ञ तक लिखते हैं, तो अगर इससे शुरू होता है और वो काउंटेबल होता है तो हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, और जो अ से अ तक होता है उसमें लोग एन इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इंग्लिश के व्यू से जब हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है, लिखा होता है ई और अ बन जाता है, कभी ए बन जाता है, कभी य भी बन जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक वर्ड लिखूंगा जिससे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग ने बताया था सबसे पहले कि ए और एन का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले पता है कि ए का इस्तेमाल वहाँ होगा जिस वर्ड का शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगा और काउंटेबल होगा। तो कॉन्सोनेंट में मान लीजिए कि सी आता है, हम लोगों ने सी एटी कैट एक वर्ड लिख दिया, तो ये तो सही हो गया, क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हुए वर्ड के पहले हमारा ए लग गया, आर्टिकल हो गया। अगर ये अनकाउंटेबल होता तो नहीं लगता, जैसे कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होता और अनकाउंटेबल होता तो नहीं लगता। लेकिन जैसे फार्मर समझते, फार्मर्स, ये बहुत सारे किसान की बात हो गई, यहाँ पे ए फार्मर्स नहीं होगा, ये सरासर गलत है, क्योंकि एफ शुरुआत भी कॉन्सोनेंट से है, तो कॉन्सोनेंट देख के हमें ए नहीं लगा देना है, हमें ए लगाना है जहाँ ये काउंटेबल संभव हो वहाँ लगाना है। ठीक है, और अगर इसको हिंदी के लिहाज से देखते हैं तभी भी कैट को हम लोग लिखेंगे जहाँ को आ रहा है, नो डाउट, ये ठीक है। अब जहाँ एन लगाते हैं हम लोग, तो एन आउल, ये उल्लू के लिए ठीक है, उल्लू काउंट भी होता है, लेकिन जहाँ हम एन ऑयल लिख देते हैं, तेल, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, क्योंकि ये शुरुआत जो है भवेल से है बट ये काउंटेबल नहीं है, और ये शुरुआत भवेल से है बट काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ जाएंगे, काउंटेबल से हो जाएगा। अब जैसे दो एग्जांपल, एक यूरोपियन लिखा है मैंने और एक इंडियन, मान लीजिए यूरोपियन बॉय, इंडियन बॉय, तो ये दोनों का जो स्टार्टिंग है वो भवेल से ही शुरू है, बट अगर सिर्फ हम इंग्लिश रूल जानते कि वॉवेल्स को देख के और काउंटेबल को देख के एन लगा दें, तो फिर यहाँ पे दोनों में एन लगा पाते हम लोग, क्योंकि ई से शुरुआत है और यूरोपियन बॉय, यूरोप में रहने वाला लड़का काउंट हो जाएगा यूरोपियन बॉय, इंडियन बॉय, इंडिया में रहने वाला लड़का ये भी काउंट हो जाएगा, और आई ये वॉवेल से शुरू है तो यहाँ पे एन लगाते हैं। बट ये अगर हिंदी के उच्चारण से हम लोग आते हैं, क्योंकि ये भी रूल है आर्टिकल का, तो इसको यूरोपियन एक बार लिख के भी देखेंगे प्रोनाउंसिएशन में, यूरोपियन बॉय, तो यहाँ ये आ रहा है, फिर हमें इसके अंदर आना होगा, और इस तरह से ये एन गलत हुआ और ए इसका सही हुआ, ये सही है हम लोग का, इंडियन हम लोग ऐसे लिखेंगे, ई आया है, ये सही है। तो बस ये एक छोटा सा शेप था जो उस वीडियो में बाकी रह गया था, ये कंप्लीट हुआ। ए एन में अब किसी तरह का डाउट नहीं है, बस इतना याद रख लें, ए स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो, काउंटेबल हो, एन स्टार्टिंग वॉवेल से हो, काउंटेबल हो, ये खत्म हो। अब हम लोग आते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल क्या होता है, कि डिफरेंट आर्टिकल थोड़ा सा इसका वीडियोस लंबा होने वाला है, मैं यहाँ पे भी इस वीडियोस को शायद खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक दो रूल में मैं इसको खत्म करता हूँ, और आगे अब मेरे ख्याल से वीडियोस 3 और 4 भी आने होंगे आर्टिकल फिनिश होने के लिए। तो डिफरेंट आर्टिकल के लिए रूल एक, रूल नंबर 1 में लिखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। रूल नंबर 1 में याद रखेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द है, ये हम सबको पता है, तो द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो रूल नंबर वन में कह रहा है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर के नाम में हम लोग जानते हैं पहले से, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी न्यूज़पेपर हैं। इन सभी के पहले द लगाएंगे, यहाँ पे कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं रूल टू पे, कैप्चरिंग रूल नंबर टू, कि इसका होता है यूज, सॉरी यूज नहीं, बिफोर बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन और रेल, जो रेलवे और ट्रेन जो यातायात के साधन होते हैं इनके नाम के पहले हमें आर्टिकल द इस्तेमाल किया था। जैसे एग्जाम्पल सत्याग्रह, वंदे भारत, इन सभी में द। यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है कि एस से शुरू है, बी से शुरू है, एस से शुरू है, नो। यहाँ पे कभी भी नहीं देखना है कि आर्टिकल में ये कंसोनेंट शुरू हुआ है, भॉल से शुरू हो रहा है। जहाँ पे हम लोगों ने उसका कंसेप्ट ख़त्म कर दिया वो वहाँ पे ख़त्म है। और इस द के रिगार्डिंग हम लोग यही समझेंगे कि जो न्यूज़पेपर का नाम हो, किसी ट्रेन और रेल का नाम हो, इन सब के पहले द। और एक रूल नंबर, और रूल नंबर थ्री, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, जितने भी ऐतिहासिक जगह होते हैं, स्थल होते हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल में द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग ताजमहल, ताजमहल में द होगा। फिर हमारा कुतुब मीनार, हवा महल, ये सभी जो ऐतिहासिक प्लेस है इन सब में द होगा। ऐसे ही तमाम रूल्स हैं डिफरेंट आर्टिकल में द को पढ़ते हुए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20+ रूल्स मिलेंगे हमें द पढ़ने के लिए, जहां बहुत इस वीडियो को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में डिफरेंट आर्टिकल के रिगार्डिंग इतना ही रूल, और इस रूल को समझें, जाने और दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।